तो चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर कोई मास है जो कि अर्थ के रेडियस के मास के इक्वल है, तो उसको अगर मैं इसके वेलोसिटी, ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ, तो अर्थ का मास दिया हुआ, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस कैलकुलेट करना है, जिसकी इसके वेलोसिटी दी हुई है 3 × 10⁸ m/s। तो ये इसके वेलोसिटी है। तो अगर फाइनली यहाँ से बात करोगे, तो देखो फाइनली यहाँ से बात करोगे तो अब जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से इसके वेलोसिटी का फार्मूला, तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या है बोलो? तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला है तो 2gm/r ऑफ द आर अंडर रूट, किसी भी प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी ये है, वेयर m द मास ऑफ द प्लेनेट और जी आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो इसके वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा तो 2gm/r। तो यहाँ से रेडियस आर की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो 2gm/r इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 × 6.67 × 10⁻¹¹, और यहाँ से तुम देखोगे तो इसकी वैल्यू रख दो, बेसिकली इसकी वैल्यू रखोगे तो मास, मास रेडियस कितना दिया हुआ था, मास 6 × 10⁴, और डिवाइड कर दें इसके वेलोसिटी, तो इसके वेलोसिटी कितनी थी, 3 × 10⁸ m/s। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस रेडियस की जो वैल्यू आ जाती है वो 900 mm अप्रॉक्सीमेट आती है, ठीक है, ये जो कि बहुत ही कम है और होना भी चाहिए, तो 9 9 mm, ठीक है, मतलब 9 × 10⁻¹¹ m। तो मिली मतलब होता है 10⁻³ m। तो ये इतना फाइनली आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आई होप कि आपको सारे प्रॉब्लम ऐसी वर्मा के समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ऐसा लेक्चर बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं बच्चों। तो आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, और अपना बहुत ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए।